तो अगर आप भी एक एंड्रॉइड डिवाइस यूज करते हैं तो आई एम श्योर आप लोगों ने सुना ही होगा गूगल फोटोज के बारे में। तो यहाँ पे एक ऐसे कमाल के फीचर के बारे में बात करेंगे जिसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लॉक्ड फोल्डर के बारे में, जो कि आपको गूगल फोटोज में ही देखने को मिल जाता है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले गूगल फोटोज ओपन कर लेना है, उसके बाद लाइब्रेरी में जाना है, यूटिलिटीज में जाना है, लॉक फोल्डर में जाना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन मिलती है, उसको आपको ध्यान में रखना है एंड सिंपली सेटअप कर लेना है। यहाँ पे जो आपका करंट लॉक है वो पूछेगा एंड ये सेटअप हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप फिर मूव कर सकते हैं, तो मूव आइटम करना है। अब इसको मैं मूव करना चाहता हूं तो सिलेक्ट कर लेता हूं एंड मूव कर देता हूं। यहाँ पे पूछेगा फिर मूव कर देना है। तो ये फोटो आपके लॉक फोल्डर में आ चुके हैं, अब ये आपको गैलरी में कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। तो अगर गैलरी में से आप किसी फोटो को वहां पे मूव करना चाहते हो तो इस तरह से सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि मूव टू लॉक फोल्डर, यहाँ पे आपको मूव कर देना है। तो अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो अगेन लाइब्रेरी में जाना है, यूटिलिटीज में जाना है, लॉक फोल्डर में जाना है एंड यहाँ पे आपको पैटर्न डाल देना है। यहाँ पे आपको फोटोज देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते तो अगेन सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको अगेन मूव कर देना है एंड ये मूव हो जाएगा। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।